नमस्ते जी, इस गाड़ी को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप सबकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हंडोरे पाजी की गाड़ी को दिखा दो, रिव्यू करा दो। सो हियर वी वेलकम हंडोरे पाजी। नमस्कार जी, मेरा नाम है राजेंद्र सेंगर और ये है हमारी हंडोरे। ये है हमारे मित्र आकाश बेघर परिंदे वालों की धर्मपत्नी जी, जो आज करने वाली है हंडोरे को रिव्यू। तो बने रहिए वीडियो के साथ, मिस मत करना नहीं तो भूत आ जाएगा। इन्होंने तो अपना इंट्रोडक्शन बखूबी दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस गाड़ी को रिव्यू करना चाहते हैं। हालांकि मार्केट में इसकी चर्चा बहुत है, फिर भी जानेंगे कि क्या ऐसी खास बात है। लेकिन उससे पहले जानेंगे सर, ये हंडोरे क्या होते हैं? ये हंडोरे मतलब पागल होगी, क्या शब्द है, क्या मतलब है इसका? ये हंडोरे तो होता है जी, जो पल में यहाँ और पल में वहाँ, आग झपको तो दिल्ली और आग झपको तो मुंबई, उसे कहते हैं हंडोरे। मतलब आजाद परिंदा पंछी जो मतलब जो हांडता रहता है, घूमता रहता है, वो हंडोरे हो गया। लेकिन होता है हंडोरे। लेकिन उससे पहले एक बात और जानना चाहूंगी कि ये ही नाम आपके दिमाग में, जहन में किस तरह से आया? ये एक्चुअली इस नाम के पीछे ना जो क्रेडिट जाता है ना, वो मेरी मम्मी को जाता है जी। मेरी बेटी ना बहुत ना एक्टिव है जी, उसके अंदर क्यूरियोसिटी की मात्रा इतनी है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। उसको अगर एक मिनट के लिए छोड़ दोगे ना, तो वो घर के बाहर दुकान पे, और हमारा एक दूसरा घर भी है, मतलब तूफानी है, तूफानी है। तो मम्मी ने एक दिन उसको बोला, सारे दिन हांडती रहती है, और मैं खड़ा हुआ था वहीं, तो तभी मेरे को क्लिक हुआ हंडोरे। वेरी नाइस, मतलब स्टोरी बिहाइंड द नेम इज रियली इंटरेस्टिंग। सो अब जानते हैं कि ये कितनी इंटरेस्टिंग है। वैसे सब जानते हैं कितनी इंटरेस्टिंग है, हियर वी कम। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी इस गाड़ी की की फीचर्स क्या है। मतलब सबके पास कैंपर वैन्स है आज, मतलब कैंपर वैन्स की बहुत कम्युनिटी इंडिया में बन रही है। सो आपकी गाड़ी क्यों? मेरी गाड़ी क्यों? मेरी गाड़ी इसलिए जी, एक तो जो इसके अंदर मैं अभी दिखाने वाला हूँ ना, खास तौर से इको में, अगर वो आपको पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिल जाए ना, तो हमें टैग जरूर कर देना जी, उसके लिए इनाम दूंगा मैं आपको। लेकिन याद रहे इको में, बार बार कर रहा हूँ, इको में, इको कैंपर वैन में। और इसके अंदर आपको मिलेगा 6x4 का प्रॉपर बेड। बाहर चलते हैं ना तो बहुत सारे इक्विपमेंट लेके चलना पड़ता है, और खास तौर से कैमरा वगैरह और मोबाइल तो धड़ाधड़ ऐसे डिस्चार्ज होते हैं ना, तो लाइट का महत्व तो पता लगता है कि लाइट क्या चीज होती है। तो उसी के लिए ये की फीचर्स है। और इसके बाद में आपको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमना पड़ता है, ऑफ रोडिंग करना पड़ता है, तो उस हिसाब से इसको बिल्ड करा गया है। और जब सारे दिन आदमी घूम लेता है ना, तो शाम को थकता है कहाँ पे आके, पेट पे आके। अच्छा। और जब पेट पे आके थकता है ना जी, तो बनाना पड़ता है खाना। और जब खाना बनाने के लिए लेडीज को बोला जाता है ना, तो मोमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो परेशान ना हो, खुशी से बनाए। मतलब सारी तरह की कंफर्ट्स उसमें हमें मिलनी चाहिए, हमें किचन चाहिए, हमें बर्तन धोने के लिए चाहिए, और ये सब कुछ आपकी गाड़ी में है। ये ए टू जेड आपको सब कुछ मिलेगा, और प्लस 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 ही मिलेगा। तो चलते हैं, देर नहीं करते हैं, इस गाड़ी को करते हैं डिटेल में डिस्क्राइब। तो चले चले फिर दिखाएं अपनी गाड़ी। कम बहुत ही जबरदस्त स्टिकरिंग एंड एवरीथिंग किया हुआ है कि एकदम से लुक और आईज एकदम कैची हो जाती है। लेट्स स्टार्ट सर। जय बाबा जी। अरे वाह, वेलकम टू हंडोरे हाउस। थैंक यू। सो ये भाई इनका एकदम कैबिन है, एकदम लग्जरी कैबिन कह सकते हैं आप इसको, जबरदस्त फिनिशिंग के साथ, और बहुत कुछ नया नया है। एंड द पाइन वुड फिनिशिंग इज ऑसम। हाँ जी, कैसा लग रहा है? आ रहे हैं ना मजे? मुझे तो बहुत सारे आ रहे हैं। सो आज हम करेंगे यहाँ पे हंडोरे पाजी से बैठ के पूरी गपशप, पूरा डिटेल में डिस्कशन कि कैसे क्या कब हुआ। सो भैया प्लीज स्टार्ट करें कि मतलब जो मैं ये देख पा रही हूँ, एक स्मूथ फिनिशिंग है इस गाड़ी की, एक लग्जरी लुक है जी। तो ये बजट कैंपिंग में भी है, जैसे आपने मुझे सीक्रेटली बताया है इसका प्राइस वगैरह, तो उस सबको डिटेल में आप बताइए अपनी जुबानी। तो ऐसा है जी, देखो मैं सीधी सी एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे को ना कंफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, और खास तौर से ना जब से हमारे पास ना बिटिया हमारी है ना जी, जी, जी। उसके उसको एक अलग कंफर्ट जोन चाहिए, वो मेरे से भी ऊपर कंफर्ट में रहना चाहती है। और थोड़ा सा देखो, श्रीमती जी है तो जी। अपने लिए नहीं जीना है, उनके लिए भी जीना है, तो उनका एक कम्फर्ट जोन अलग है।
तो उस हिसाब से मैंने सारी चीजें अपने माइंड में रख के ना तब ये बिल्ड कराई है। आप इसमें देख सकते हो एक मैंने फिनिशिंग दी है, जैसे आरवी होती है, अपन बाहर घूमने जाते हैं होटल लेते हैं जो फील होटल के अंदर आता है लेकिन वो हाइजेनिक नहीं होता है। सीरियसली मैं बताऊँ, बहुत सारी जगह ऐसा होता है बाकायदा मिल जाता है लेकिन नहीं मिलता है वो फील। जब हम इसमें बैठते हैं या फिर बाहर से देखते हैं लेटते हैं ना, तो वो फील हमें इसमें आता है। सो मतलब आप अपनी छोटी सी 4x6 की कैंपर वैन में एकदम होटल वाला 5-star फील लेने के लिए आपने इतना मेहनत की है। 5-star तो नहीं कह सकते, हाँ हाँ हम इसको 3.5 या 4-star जरूर कह सकते हैं क्योंकि 5-star के लिए इसमें वॉशरूम नहीं है जिसको हमें अलग से यूज करना पड़ता है। कोई बात नहीं, देखिए हर चीज में कुछ प्लस एंड माइनसेस होते हैं, वो विद द टाइम हम अपग्रेड जरूर करते हैं। सो अब बात करेंगे यहाँ की फीचर्स के बारे में, क्या क्या आप बताना चाहेंगे, क्या क्या खास है इसमें, आप ही की कैरावैन क्यों? मेरी ही कैरावैन क्यों, ये तो बड़ा टफ सवाल है। कैरावैन्स तो देखो सभी की अच्छी होती है, मैं सबसे पहले सब अपने हिसाब से और अपने मुताबिक ही और बजट के मुताबिक मॉडिफाई कराते हैं। और देखो बजट और शौक दो एक ऐसी चीजें हैं कि जिसको डिस्क्राइब किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जब शौक होता है ना जी, और जब शौक पैशन या फिर आपके ऑक्यूपेशन में बदल जाता है ना, तो उसका कोई मोल नहीं होता है, वो अमूल्य हो जाती है। तो उसी हिसाब से मैंने ये बिल्ड कराई गई है। इसमें आपको ना जिस पे अभी आप बैठे हैं ये मात्र ना 1 inch का गद्दा है, ठीक है, ये नहीं 1 inch नहीं, ये 2 inch गद्दा है। मैंने आपको गलत बोल दिया, ये 2 inch गद्दा है। आप इसमें बैठ के उंगली पूरी लगा के देखिए, पूरा घुटना मोड़ के देखिए, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी मतलब कि आपको ये दुख दे सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल कंफर्ट है, फील भी हो रहा है, लाइक आई एम सिटिंग हियर, सो वो एक लग्जरी फील भी आ रहा है और साथ ही में एक बिल्कुल मतलब बहुत ही सॉफ्ट कुशनिंग है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे सोएंगे तो बैक पेन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, उतना ही स्मूथ है जैसे घर के गद्दे पे आपको नींद आती है। और सेकंड थिंग, जहाँ हम अभी बैठे हैं और जहाँ हमारे फुट टच हो रहे हैं, ये स्पेस मैंने ब्लैंक इसलिए रखवाया है क्योंकि ना मेरी बेटी ना बहुत एक्टिव है और उसको खड़े होने के लिए, जब बच्चा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो उसको क्या होता है ना शीशे के पास रहना, खड़े होकर रहना, गाड़ी में चलना, तो ये खेलने के लिए भी बाय चांस अगर हम कहीं रात इस नाइट में स्नो भी हो रही है तो हम बैठे हैं तो हम अपने बच्चे को यहाँ बैठा सकते हैं इजीली, वो आराम से खेल सकता है, बाहर देख भी सकता है, तो वो बोर नहीं होगा, उसका भी एक कम्फर्ट रहेगा, ठीक है। और इसका एक और फायदा ये है कि आपने मोस्टली कैरावैंस में देखा होगा कि उसमें जो डोर्स होती हैं वो फ्लिप नहीं होती हैं, वो पॉप अप की तरह होती है जी। उसको ऐसे करके पुश करते हैं, सपोज कीजिए अगर हम रात को लेटे हैं या बैठे हैं यार, मिडनाइट भी है तो इवन हम किसी फॉरेस्ट में भी है कि हम बाहर निकल ही नहीं सकते, सिचुएशन ऐसी आ ही जाती है, या बारिश ही हो, देखो डर कुछ नहीं होता, बारिश भी अगर है तो तब भी हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। इसमें आप बैठे बैठे हर एक चीज को इजीली यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो ये इस हिसाब से बनाई गई है कि इनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो बाहर से ना होके हर चीज के लिए इंटरनली है, एक्सेप्ट द किचन। या राइट, या तो अब इन बॉक्सेस को जरा एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि किसमें कौन सा राज छुपा हुआ है। इस बॉक्स में आपको हमारा मिलेगा सोलर का इन्वर्टर, ओके, और उसके नीचे है एक बॉक्स और जो कि मोस्टली लोग इस यूज स्पेस को ना ऐसे छोड़ देते हैं, उसको यूज नहीं कर पाते हैं, और उस ना उसको क्या या तो बॉक्स बनवा लेते हैं साथ में जो वो मतलब किसी यूज का रहता नहीं है, या फिर लंबा बॉक्स बनवा लेते हैं जो कि वो स्पेस खराब हो जाता है। तो मैं इसको अभी खोल के आपको दिखाऊंगा जी। और हमने ना अपने कपड़ों के लिए ये एक पर्टिकुलर ये बॉक्स बनवा के रखा है, इसमें ना हमारे 1 महीने के आराम से कपड़े आए जाते हैं इजीली, मेरे भी और बच्चों के भी जी। और एक अपना करीब 3-4 inch के करीब जगह है, जितना भी मेरा लाइट का इक्विपमेंट है, स्टैंड है या फिर ट्राइपॉड्स हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। और अपने सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 2 kilo का फायर एक्सटिंग्विशर बिल्कुल हैंड पिक रखा हुआ है ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो तुरंत हमारे हाथ के पास हो और हम इसको उस अनहोनी होने को पहले से ही शांत कर दे। सो मतलब एक प्रॉपर बेड के साथ साथ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस भी है जिसमें अपने ये लॉन्ग तरह के इक्विपमेंट्स को रख सकते हैं, और साथ में एक ये हैंडी हैंडी फायर एक्सटेंशन भी है। पे सिर्फ सीलिंग सी ही नहीं बल्कि फ्लोर भी बहुत ही जबरदस्त करवाई गई है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। सो ये है यहाँ पे कार्पेटिंग जो इन्होंने प्रॉपर टिप टू टॉप करवाई हुई है। साथ ही में है यहाँ पे कर्टन जो इजीली मूव हो जाते हैं और एक बहुत ही शानदार फील आता है। साथ में जो ये लाइट्स हैं, एक एक चीज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे आपको हंडोरे पाजी के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसमें जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट है, आपके पास क्या क्या है उसके लिए और वो कितनी वर्थ का है।
हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी की हम अगर बात करी जाए ना, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी के लिए 3 पैनल लगाए हुए हैं ऊपर, वो है 100-100 वाट के, आप देख सकते हैं ऊपर भी जी, है ना, 3-3 वाट के पैनल लगाए हैं मैंने। मैं चाहता तो सिंगल पैनल भी लगवा सकता था, लेकिन मैंने 3 अलग अलग इसलिए लगवाए हैं ताकि बाई चांस अगर कोई पत्थर स्नो या वगैरह कुछ लग के टूटता है तो सिंग अगर नुकसान होता है तो एक ही पैनल का नुकसान होगा। और ठीक है, और उसके साथ में ना मैंने ल्यूमिनस का 1 किलो वाट का इन्वर्टर लगा के रखा है, तो अगर इन केस मुझे बैटरी कभी छोटी या बड़ी करनी हो तो वो इजीली हो जाएगी, तो मेरे को बार बार इन्वर्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया कि इसमें 3 दिन का बैकअप आपके पास रहता ही है और आपके इक्विपमेंट सारी तरह के इसमें वो चार्ज होते हैं और वो चलते रहते हैं। ओके, और अब इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए, अगर पानी है तो जीवन है, तो वाटर मैनेजमेंट के लिए सर आपने क्या किया है? वाटर मैनेजमेंट के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाया है, क्योंकि जैसे मोस्टली जगह हमें पानी मिल जाता है, इजीली पानी तो हमें मिल जाता है, देखो पहाड़ी क्षेत्र में आराम से मिल जाता है, वैसे ही पानी हर जगह मिल जाता है, और अपने हिंदुस्तान में ना पानी पिलाना पुण्य का काम है, तो हर लोग इजीली पानी दे देते हैं, फिर भी कहीं अगर लोग ही नहीं है तो वहाँ पानी कौन देगा जी? तो उस सिचुएशन में अगर हम फंस जाए तो उसके लिए मैंने क्या करा है, एक आगे 12 लीटर का टैंक रखवा के रखा है, और एक नीचे 30-35 लीटर का एक टैंक नीचे है, ओके, जो कि अंडर द बॉडी जी, जो कि हमारे पहले उसको शाफ्ट को और बॉडी को अलग से कनेक्ट नहीं करता, बिल्कुल सेपरेट है, और उसकी फिटिंग इतनी जबरदस्त है ना कि आप देखेंगे तो कोई भी उससे नुकसान हो तो गाड़ी को नहीं है, ठीक है। और वो पानी हमारा इनलेट आगे की तरफ है, आउटलेट हमारा QRV पीछे लगवा के रखा है, जिसमें हम प्रॉपर शावर भी अपना फिट करके आराम से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो क्या इसमें आपको किस तरह की मोटर वगैरह भी लगानी पड़ती है या वो ऑलरेडी सेटल्ड है, या अलग से कुछ करना पड़ता है? इसमें अलग से कुछ नहीं करना है, इसमें हमने 12 वाट की मोटर लगा के रखी है, वो आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाती है, और वही पानी आपका टैंकों से खींच के आगे देती है, जिसके लिए एक हमने स्विच लगवा के रखा है अंदर, ओके, उसको ऑन करते हैं तो तभी वो यूज होगा, अदरवाइज वो उसका काम नहीं है, अगर हमें पानी की जरूरत है तभी चलानी है, नहीं तो नहीं चलेगा। ओके, तो आपका आगे वाला टैंक जरूर देखना चाहेंगे। बिल्कुल, लो जी देख लो पानी हम कैसे भरते हैं, ये जी हमारा 12 लीटर का टैंक, ओके, हमारा इनलेट है, हम यहाँ से इसको खोल लेते हैं, इजीली खुल जाता है ये क्या सेम अली बाबा 40 चोर, ये जी यहाँ से हम पानी इसमें भर देते हैं इजीली, और नीचे अगले टैंक तक ये पहुँचा देता है, और इसकी कनेक्टिविटी अगले टैंक में जो है वो ये है, यहाँ से पाइप आपने दिया हुआ है, ये अगले के टैंक की कनेक्टिविटी ये है, अगर हम इसको यहाँ से लॉक लगा दें तो ये आगे पानी नहीं भेजेगा, अपने पास ही रखेगा। काफी ही स्मार्ट तरीका है कि इन केस आपके पास 2 स्टोरेज तो है, लेकिन आप उसमें वाटर को सेव भी कर सकते हो, इन केस मतलब देखो हम रास्ते पे चलते हैं, खाबे रास्ते हैं, सो कभी भी नीचे वाले टैंक को, वैसे तो वो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लोहे का ही है ना सर वो भी? जी वो स्टेनलेस स्टील का ही है, लेकिन फिर भी किसी तरह का डेंट अगर हमारी ऑयल टैंकिंग में हो सकता है तो उसमें भी हो सकता है, सो उसके लिए यहाँ पे ये है कि ये लॉक कर देते हैं जिससे पानी आगे ना जाए, और जितना यूज करना है और सेव करना है दोनों ही चीजें अच्छे से होती हैं। सो अब चलते हैं इनकी किचन की ओर, क्योंकि मुझे लगी है बहुत सारी भूख। समझिए ऐसी किसी जगह पे है कि सोलर भी चार्ज नहीं हुआ है और मतलब आप इलेक्ट्रिसिटी अंदर नहीं है, तो आप क्या ऐसा करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए? देखो जी हमारे नाम से जैसे आपको पता लग गया होगा कि हम तिमारबाज तो हैं, लेकिन दिमागबाज भी हैं जी, तो इसके लिए मैंने पहले ही एक इनलेट इनको बोल दिया था कि मेरे को अगर लाइट कहीं नहीं मिलेगी ना तो मेरे को इसमें अलग से सॉकेट चाहिए, जैसे मैं बाहर से इसको चार्ज कर लूं, मेरे को बैटरी उठा के बाहर ले जाने की जरूरत नहीं है। ओके, हमें केवल ये फीमेल सॉकेट लगवा के रखा है, ओके, इसको लेंगे जी, और ये हमारा आ जाएगा, ओके ओके ओके, और जी ये हो गया फिक्स जस्ट, ओके, अभी गाड़ी को मिलेगी बाहर से पावर, सोलर हो सूरज निकले या ना निकले, लेकिन हमें पावर कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगी, तो हम अपना ऐसे लगा के वायर अपनी गाड़ी को फुल चार्ज कर सकते हैं, गाड़ी की बैटरी को भी। सो इन केस ऑफ वर्स्ट वेदर, जहाँ पे बर्फ पड़ी है, बारिश है, सूरज देवता जी यहाँ पे नहीं है, सो ये बाहर से भी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले सकते हैं, पाइप तो आपने तार तो आपने देख ही ली है। और मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी कुछ बना के खिलाइए। किचन है, किचन नहीं दिखाएंगे जी जब तक आओ, हमारा मुंह मीठा नहीं कराओगे जब तक हम किचन नहीं दिखाएंगे। बस सर हमारे ना 1 मिलियन हो जाए, मीठा मुंह क्या, देखो जी चक्कर से खाना खिलाएंगे। जो मेहनत करता है ना तो ऊपर वाला उसको उसकी मेहनत का फल जरूर देता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमको प्यार मिल रहा है जनता से, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह से हमारे चैनल को देखते रहिए, हंडोरे पाजी के चैनल को देखते रहिए, इनका इंस्टाग्राम और
यूट्यूब हैंडल आपको तो दिख ही रहा है और आप तो उनको जानते ही हैं। जी ये पर ये क्या है यहाँ पे? ये जी ये क्या नहीं है, जादू है। इसको ये है QRV, जो टैंक हमारे लगे हैं ना पानी के, वो मोटर के थ्रू आउट यहाँ से निकलता है पानी। क्योंकि जिस आउटलेट की आप बात कर रहे थे वो ही आउटलेट यहाँ है। और इसमें क्या लगता है बने, मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारा है जो इसकी QRV की फिटिंग। हम इसको ऐसे पुश करेंगे पीछे, इसको ऐसे लगाएंगे और पानी यहाँ से आ जाएगा। मैंने ये वायर काट के रखी है और मैंने एक शावर में लगा के रखी है वायर, तो सही शावर आपको 10 फुट 20 फुट तक भी ले जाएगा, प्रेशर इतना तकड़ा देता है जी। सो इस तरह का जो सेटअप है आप देखते ही हैं घर में अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर, जिस तरह से टैप को दूसरे वॉशिंग मशीन के टैप के साथ कनेक्ट किया जाता है, जस्ट लाइक दैट, वेरी स्मार्ट फीचर। थैंक यू जी। चलते हैं किचन की तरफ। पाजी कुछ खिला दो। लो जी जो मन करे वो खा लो, हम तो गांव वाले हैं, खाना खिलाना तो हमारा शौक है, और जब तक हम अपने मेहमान को कुछ ना खिला दें तब तक हमारा पेट कहाँ से भरेगा जी। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी, किचन हम देखते हैं लेकिन लॉक सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा कि एकदम से गाड़ी इंक्लिनेशन पे भी हो या स्ट्रेट हो, आपके लॉक्स तब तक नहीं खुलेंगे जब तक आप इसे ना खोलेंगे। सर प्लीज कंटिन्यू जी। ये है जी सिंक लगाने के लिए स्टैंड, इसको इंग्लिश में कुछ भी कह सकते हैं। वेरी नाइस। और ये हमारे है किचन। ओके। और ये एक्सटेंड होती है, ये है इनका एक्सटेंडेबल किचन, जो कि एक्सटेंड होके यहाँ तक किचन पूरा रेडी हो जाता है। वॉशिंग के लिए सिंक है। और सर वहाँ पे क्या खजाना है? यहाँ पे खजाना है, आपने किचन चूल्हा तो निकाल लिया जी, और चूल्हे पे बनाओगे किस चीज से, पकाओगे क्या, डालोगे क्या उसमें? अच्छा तो ये है हमारे पेट पूजा का सारा सामान। तो ये थोड़ा कम नहीं लग रहा आपको, मतलब अगर आप लंबे ट्रिप के लिए निकले तो? अजी कम कैसे हो सकता है, दिमाग है जादू है, मैं दिखाता हूँ आपको, बताओ आपको क्या चाहिए। ये देखिए आपको स्टोरेज दिखाई दे रही है। ओके ये देखो। ओके ओके ओके, फ्लैप्स के अंदर सारी स्टोरेज ऐसी रखी गई है। ऐसे ही दोनों तरफ की स्टोरेज है जी। ओके सो ये फ्लैप्स के अंदर प्रॉपर स्टोरेज रखी गई हुई है, जो भी इनकी एक्स्ट्रा ग्रोसरी है। तो सर देखिए ये तो सारा हो गया, लेकिन आपको चॉपिंग कहाँ करोगे? चॉपिंग की टेंशन नहीं है जी, देसी हम तो मूली भी तोड़ के ऐसे खा लेते हैं। फिर भी मतलब किचन है तो चॉपिंग बोर्ड तो चाहिए ही। फिर भी आप इसे चॉपिंग बोर्ड कह सकते हो, लेकिन मैंने इसको लैपटॉप रखने के लिए बनवाया है। मल्टीपर्पज चीज है वो, आप जिस तरह से यूज करना चाहें आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। ओके सो मतलब किचन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है आटा नीड करने के लिए ना, एक अच्छा स्पेस चाहिए और एक मजबूत चीज चाहिए जिसपे आप थोड़ा जोर लगा सके और चॉपिंग बोर्ड की तरह काम आ सकते हो। और ये इनके एक्सटर्नल यूज, जैसे इनको एडिटिंग करनी है उसके लिए प्रॉपरली यूज करते हैं। इतना कुछ देख के ना मैं तो कंफ्यूज हो गई, मैं क्या क्या सोच के आई थी सारे क्वेश्चंस भूल गई। अब आप मुझे बता दो कि आपकी इस कैरावैन के अंदर और क्या क्या खास है प्लीज। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है जी, पहले तो इसे करते हैं बंद। ओके। और भैया से कहूंगा आ जाओ थोड़ा सा आगे को। ये है हमारे पर्दे जो हमें थोड़ी सेफ्टी देते हैं, अगर बच्चे अंदर बैठे हैं तो बाहर से थोड़ा सा सेफ्टी जरूर चाहिए होती है। और हमने लगवा के रखे हैं दो पंखे, और जब गर्मी आएंगे ना जी तो ये जबरदस्त हवा देते हैं, और इनकी लाइट बहुत जबरदस्त है। ऊपर से हमने लगाई है 3 लाइट, आप अंदर 2 लाइट तो देख रहे हैं और बाहर एक तीसरी लाइट दिखाता हूँ। ये देखिए जब बिल्कुल अंधेरा होता है तो ये एक स्ट्रिप लाइट लगा के रखी है, और किचन के लिए स्पेशल ये 5 वाट की और लाइट लगवाई है हमने, तो हमारा मतलब जब रात होती है तो पूरी गाड़ी चमचमाती है। मतलब हमारा ये घर है ना, तो अंधेरा तो घर में रख नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। पूरा लाइट का मन है, हमने ना एक एक चीज को ना बहुत डिटेल से सोच के तब ये बिल्ड कराई है, और पूरा दिमाग इसमें मैंने अपना लगाया है कि कौन सी चीज कहाँ से लगनी है, कैसे लगनी है। इवन ये कारपेटिंग है ना, ये कारपेटिंग भी हमें गर्मी में गर्मी से बचाएगी और सर्दी में सर्दी से बचाती है। वेरी नाइस वेरी नाइस। सर अब हमने देखो गाड़ी के बारे में सारे फीचर्स बहुत अच्छे से जान लिया, अब मैं जानना चाहूंगी गाड़ी आपने सेकंड हैंड ली थी या फ्रेश ली थी? हमने जी गाड़ी तो नई ली है, और हम देखो जी बिलीव करते हैं नई चीजों में। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल सही है, सही है, सही। और सेकंड थिंग ये है कि अभी आपने गद्दे देख लिए, सब कुछ देख लिए, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ना ये कंप्लीट बेड बन जाता है जी। जब रात को ये हमारी यहाँ फ्लैप है, इस फ्लैप को हम ऐसे इसके ऊपर ले आते हैं, वो दोनों तरफ स्टैंड कर जाती है,
और इतनी मजबूत हो जाती है कि आप आराम से 110-120 किलो का अगर इंसान भी है ना, कोई इंसान भी है तो वो भी बैठा है, कोई भी दिक्कत कहीं से कहीं तक जाने वाली नहीं है भाई। वो तो हमारे व्यूवर्स ने पहले ही बेड को पूरा देखा हुआ है, इसलिए मैंने बहुत खींचा दी इसको। एक और चीज दिखाता हूँ जी, अगर आपको किसी बाहर किसी को और को भी लाइट देनी हो ना गाड़ी से, तो जी हमने सॉकेट लगवा रखे हैं, मोबाइल यहीं से चार्ज करते हैं और पावर के लिए सॉकेट यहीं दे रखे हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस सर। ये हो गई सारे पॉजिटिव फीचर्स के बारे में बात हमारी इस हंडोरी के बारे में, लेकिन मैं जानना चाहूंगी सी, सब कुछ अच्छा हो लाइफ में कुछ तो खलता है, सो ऐसा क्या है जो आप फ्यूचर में कुछ अच्छा और करवाना चाहिए, कुछ अपग्रेड करवाना चाहेंगे अपनी गाड़ी में? बात रही कि कमी की, तो अभी तो कमी तो वैसे हमारी गाड़ी में कुछ है नहीं जी, ऊपर वाले की दुआ से। पर हाँ, मेरी बिटिया के लिए एक चीज मुझे खलती है, जैसे हम सुबह जल्दी, मैं जल्दी उठ जाता हूँ, मुझसे भी जल्दी उठ जाती है, और हम देसी से लोग हैं तो हमें सुबह चाय चाहिए होती है, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी बेटी डिस्टर्ब होती है, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ना एक कर्टन ऐसा लगवाया जाए तो हवा भी ना जाए और अंदर सुबह सुबह रोशनी भी ना जाए, ताकि हमारी बेटी की नींद खराब ना हो। सो मतलब ये इसी कैंपर वैन को एक रूम और एक किचन के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं बाय अ सिंगल स्लैब या किसी तरह का, जो भी आप इसमें फ्यूचर अपग्रेड करवाएंगे। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, शायद मैं भी कुछ ऐसा सोचूं आगे फ्यूचर में। आई रियली लाइक दिस पॉइंट। सो हमें इस कैंपर वैन को देख के तो बहुत अच्छा लगा, इसकी जो भी हमने चर्चा सुनी थी वाकई चर्चा के काबिल है। जैसे कि हम बजट कैंपिंग को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, सो इफ यू डोंट माइंड मैं फिर भी पूछना चाहूंगी कि आपकी इस पूरी कैंपर वैन की क्या कॉस्ट या वर्थ है? देखो जी, एक जिंदगी में दो चीज होती हैं जी, एक तो होता है शौक जी, एक होता है प्यार जी। शौक और प्यार का ना कोई मोल होता नहीं है। बात तो आपने ऐसी बोली कि दिल को छू गई है। ये सवाल तो सिर्फ उन लोगों के लिए था जो आगे फ्यूचर में कैंपरवैन बनाना चाहते हैं, बट हाँ इनकी इस मतलब प्राइवेसी के लिए मैं आई रिस्पेक्ट हिम, बट हाँ बजट कैंपिंग पूरी मतलब बहुत आसान है करना। सो उसके लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आपको बहुत सारी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपको इसमें और ज्यादा एनकरेज करेंगी। सो सर आपसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपके साथ वार्तालाप करके और भी ज्यादा अच्छा लगा। सो अब आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको अपना भरपूर प्यार हंडोरे पाजी को देना है, इनकी फैमिली को देना है, हंडोरों को देना है। आप इनके चैनल पर जाके सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो करें और बहुत सारा प्यार दें, ताकि हम आगे और ऐसी ट्रिप साथ में करते रहे और मिलते रहे, और आपके लिए इस तरह का नया कंटेंट, बजट वाला कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक यू।